ऑन और कर देता हूं स्क्रीन शेयर। विजिबल है दोस्तों? यस सर। बढ़िया। तो पहले तो अपन इसको डार्क कर लें, थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को डार्क के साथ में। बट तो दोस्तों देखो हुआ क्या, जनता के साथ एक क्विक क्वेश्चन को देखकर आंसर देंगे। फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ आंसर आने शुरू हो गए, आंसर आने शुरू हो गए, अलग अलग आंसर आए लेकिन फिर भी ठीक है, आने तो शुरू हो गए। अलग अलग आंसर आए भाई, तीन आंसर आए, तीनों अलग अलग। चार आंसर आए, चारों अलग अलग, बहुत बढ़िया। एक और आंसर अभी कोइंसाइड हुआ है, पांचवा आंसर इज कोइंसाइडिंग विद सेकेंड वन। चलो ठीक, अरे वाह 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 वाह, कुछ कुछ अलग अलग आंसर आने शुरू हुआ भाई, ठीक है। अब मेरा ऐसा कौन सा दोस्त है बिना किसी शर्मो आया के बताओ नहीं बन रहा है सर, नहीं हो रहा, अनम्यूट करके बोलो, बोलो एकदम लाउडली, एक्सेप्ट करो इस बात को, फिर अपन बात करेंगे। अभी आंसर सेम आने शुरू हो गए हैं बहुत लोगों के। नहीं बन रहा, ठीक है कोई बात। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंडिविजुअल्स के यूनिट डिजिट निकाल लेने, ठीक है। श्योर? तो थ्री की पावर है, थ्री इज इन द साइकिल ऑफ फोर, तो मैं इसे फोर से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचेगा थ्री, थ्री टू द पावर थ्री इज 27, तो ये हो जाएगा सेवन। टू इज ऑल्सो अ साइकिल ऑफ फोर, इसको फोर से डिवाइड करूंगा, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी टू टू द पावर फोर 16। एट इज ऑल्सो अ साइकिल ऑफ फोर, ओके, डिवाइड बाय फोर करूंगा, रिमाइंडर बचेगा टू, एट टू आर 64, 8 to the power 2, not 8 to the 64, 8 to the power 2 is 64. तो इस ब्लॉक से हमें यूनिट डिजिट मिलता है कितना, 9, आया ना? बढ़िया। मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ था, 9 और 4 13 का 3, 3 is a cycle of 4, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहां बचेगा 7। 7 के मल्टीप्लीकेशन से जो निकल जाएगा वो यहाँ कुछ भी होगा लेकिन यहाँ तो 3 ही रहेगा, so the right answer is 3, neither 7 nor 8 nor 9 nor 5। कहाँ गलती की, ढूंढो अपनी गलती और बताओ बिल्कुल अच्छे से अपने आप को। सर, सर वो 32 वाला कैसे किया था आपने?
एक मिनट बेटा है, हाँ फिर से बोलो, थोड़ा सा आवाज अपना लाउड करो या मैं स्पीकर। सर सर 23 प्लस जो 32 है, 23 प्लस सर वो 32 कैसे किया था आपने एक बार प्लीज बताइए। 32 टू द पावर 32 है बेटा, है या नहीं? हाँ हाँ यस सर। तो 2 की पावर है वहां पर, आया ना? सो 2 इज अ साइकिल ऑफ 4, राइट? यस सर। ठीक है, तो हमने 32 को 4 से डिवाइड किया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, आया ना? यस सर। और अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, तो वो 2 टू द पावर 4 की कैटेगरी में आएगा। और 2 टू द पावर 4 की कैटेगरी कौन होता है? 16, यस और नो? यस। समझ में आ गया बेटा? किसी को डांट पड़ रही है सुबह सुबह? ठीक है, समझ में आया? और कोई दोस्त हमारा? सर 33 टू द पावर 1 में यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए। 33 टू द पावर 1 कहाँ है सर? यूनिट सर, रिमाइंडर तो 1 बचेगा ना सर? कहाँ? नो सर, नहीं सर, गलती हो गई। हाँ भाई, जाग गए जाग गए जाग गए एवरीवन। जी आई गॉट इट। ऐसा एक दोस्त जिसको नहीं समझ में आया भाई, प्लीज पूछो, जरूरी है ना, अपन फिर से पढ़ रहे हैं ये टॉपिक को, क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन देता हूं बिल्कुल फटाफट करके, सॉल्व करके आंसर देना। सही सही दोगे सारे लोग तो मजा आ जाएगा यार, है कि नहीं? सर एक बार आप बता देंगे कि कौन कौन से नंबर किसकी साइकिल में आने हैं, नोट करना था। लिख लो बेटा, 0, 1, 5, 6, नो चेंज, 4 and 9, ऑड इवन, 2, 3, 7, 8, डिवाइड बाय 4, ओके? आंसर आना शुरू हो गया है, आंसर आना शुरू हो गया है। किसी का 9 आया और बहुत सारे लोगों का 0 आया। बढ़िया 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 बढ़िया। 31 टू द पावर 31 है, क्योंकि यहाँ 1 है तो कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। माइनस 2 की पावर है तो 4 की साइकिल होगी, रिमाइंडर आया 2 तो आएगा 4, 1 माइनस 4 यूनिट डिजिट देता है 7, तो हाँ 11 माइनस 4 हो जाएगा ना। इनटू में लिखा हुआ है, 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 सॉरी। इनटू में लिखा हुआ है 4 टू द पावर इवन, 4 टू द पावर इवन नंबर होता है 6 प्लस 4 टू द पावर ऑड नंबर होता है 4, तो ये हो जाएगा 0। किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करो, यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। आया ना एवरीवन एवरीवन एवरी सिंगल फ्रेंड? यस सर। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो आप खेल जाओगे यूनिट डिजिट में, कोई शक? नो सर। फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस वाला बनेगा बहुत। हाँ बेटा बोलो। सर ये वाला जो ब्रैकेट है 14 टू द पावर 144 प्लस 144 टू द पावर 41, सर ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। फिर से, ठीक है। तो जो 4 होता है बेटा, है ना, वो ऑड और इवन को फॉलो करता है। 4 की ऑड पावर में 4 आएगा, 4 की इवन पावर में 6 आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ 4 की पावर है एक इवन नंबर, इसलिए यहां से मुझे मिला 6।
जबकि यहाँ 4 की पावर है, एक ऑड नंबर, इसलिए यहाँ से मुझे मिला 4। समझ में आया बेटे? सर मतलब 4 टू द पावर, कोई सी भी पावर अगर इवन में आएगी तो उसको 6 ही लिखेंगे। हाँ, 4 की अगर पावर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, 4 की पावर अगर ऑड डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। इसी तरीके से 9 के साथ है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। क्लियर? यस सर। सर हाँ बेटे बोलो। सर ये जो ऑड इवन वाला है ना, 4 और 9, मतलब अगर 4 और 9 का कोई भी पावर दिया हो तो फिर हम पूरे उस पावर का नंबर को देखते हैं कि वो ऑड इवन है या नहीं, तो सिर्फ उसका यूनिट डिजिट को देखते हैं। तो बेटा दोनों बातें सेम ही होंगी ना, अगर यूनिट डिजिट होगा इवन तो ही पूरा नंबर इवन होगा ना, यूनिट डिजिट अगर ऑड होगा तो पूरा नंबर इवन कैसे हो सकता है बताओ। यस सर। है ना, सर एक बार 9 का केस फिर से बता दीजिए ना। 9 में क्या होता है बेटा, 9 की अगर ऑड पावर होती है तो आंसर 9 होता है यूनिट डिजिट पे, 9 की अगर इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट पे 1 होता है, 81। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बढ़िया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो भाई, इतना डिस्कशन हुआ है। हाँ भाई, श्रेयांश सच सच बता, अब भी आया है क्या? अलग अलग आंसर, राजस्वा 2, तन्मय 8, राजस्वा 2, तिया 8, आयुष्मान 2, मोहित 2, पूर्वांश 2, अभी बहुत सारे 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, नॉनिट 2, मृदुल 8, प्रांजल 2, जानवी 2, मधु 2, नो प्रॉब्लम। राजस्व में समझ गया, यूनिट डिजिट तो पता करना है, 2 और 12 का 2 हो जाएगा, 8 8 तो कंफ्यूजन है भैया, 8 और 2 आ रहा है लोगों का, तो देखते हैं कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले मैंने जो वो सारी चीजों को लिख लेना है जो एडिशन में 9 की ऑड पावर 9 देगा, 8 को 4 से डिवाइड हो रहा है, आया ना? श्योर? तो 6 देगा, 5 के साथ कुछ भी कर लो 5 देगा। सर आपने 7 की तरह स्किप कर दिया। नहीं, मैंने पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ बेटा पहले मैं, ठीक है? अच्छा। ओके। 2 की पावर है 4, 4 को रिमाइंडर के हिसाब से 1 बच रहा है, तो 2 की पावर 1 इज 2, ये सारे एडिशन में है। नेगेटिव वाले घुस रहे हैं यहाँ पर, 7 की पावर बेटा 4 से डिवाइड करेंगे, 76 डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। सर इसमें प्लस 1 नहीं, प्लस 2 आना चाहिए क्या? यस सर। किधर पे? सर 21 जो है उसमें प्लस 2 होगा ना? कहाँ पर? मैंने 2 तो लिखा है। अरे सर क्या यार, अफवाहें मत फैला। अभी लिखे हो? नहीं यार, वही लिखा था। अफवाहें फैला रहे हो यार।
अफवाहें मत फैलाओ प्लीज ऐसे। ठीक है बढ़िया। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सॉरी। सेवन सेवन की पावर हो गया, फिर फोर की इवन पावर है तो वहां सिक्स होगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान से देखिए, और वन के साथ कुछ भी करो वो वन ही रहता है। आया ना 22-14 आ रहा है। ठीक है तो यहां से आपको मिल रहा है यूनिट डिजिट कितना, 9, 6, 15, 5, 0, 2, -7, 6, 13, 1, 4। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से कुछ कैरी लोगे, ये 12 बन जाएगा, -4, 8 हो जाएगा। 8 इज द राइट आंसर, 2 इज नॉट द राइट आंसर। समझ में आया? गलती समझ में आई एवरीवन? यस सर। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो यार। देखो हमेशा याद रखो, मेरा तो रूल ये रहता है कि पेपर में राइट, अब ठीक है क्वेश्चन देख के क्वेश्चन समझ में आ गया बड़ी बात है, तो इसको आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 9 लिख के भूल गए, नहीं, आराम से करेंगे इनका मतलब इसको एहतियात केयरफुली करेंगे। गलती बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो यार दुख की बात है ना, तो बी थोड़ा सा अलर्ट एंड केयरफुल। ओके बेटे चलो, तो ये मैं मान लूं, अभी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं मान लेता हूं ऐसा कि आप लोग समझ गए, ऐसा मान लूं क्या? बिल्कुल, मेरे तो सारे क्वेश्चंस बन गए थे, पहले एक भी नहीं बन रहे। Very good. शाबाश। सर हाँ बच्चे बोलो सर, ये जो प्लस वाला है उसमें 6 कहाँ से आया? सेकंड वाला 6? यस सर। बेटा 8 की पावर से आया, ठीक है, 8 की जो भी पावर होती है, 8 इज अ साइकिल ऑफ 4 बेटा, हाँ है ना? यस सर। तो हमने कहा ठीक है 4 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, 4 से डिवाइड हो रहा है ना नंबर? Yes, sir. हाँ, तो हम बोलते हैं 8 की पावर 1 इज 8, 8 टू द पावर 2 इज 64, 8 टू द पावर 3 इज 512, 8 टू द पावर 4 जो भी होगा 8 टू द 16 ही आएगा ना यहाँ पे, राइट? यस सर। तो अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 8, 2 बचेगा तो 4, 3 बचेगा तो 2, और कुछ रिमाइंडर नहीं बचे यानी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो बचता है 6, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है इसलिए यहाँ पे 6 है। ठीक है बच्चे? यस सर। बढ़िया, मान लूं ऐसा कि बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। हाँ बच्चे बोलो सर, आप ये -7 वाला समझा सकते हैं? हाँ फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो हमने क्या किया बेटे, ये जो माइनस वाले टर्म्स थे इनसे नेगेटिव कॉमन ले लिया और यहाँ लिख लिया, मतलब ये लोग आपस में ऐड हो जाएंगे, am I right? Yes, sir. One के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, one के साथ तो कोई चेंज नहीं होता इसलिए one आ गया, right or not? Yes, sir. Four के साथ केस होता है, four की इवन पावर होती है तो 6 होता है, ऑड पावर होती तो 4 होता, हाँ है ना? Yes, sir. अब आते हैं 7 पे, 7 also follows the cycle of 4. तो हमने 77 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1, हाँ है ना? 76 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, ये सुनो। Yes, तो आएगा 7 to the power 1, कितना होता है 7, क्लियर? Yes, समझ में आ गया? Yes, बढ़िया, ठीक है। चलो जस्ट अपने भरोसे के लिए एक और क्वेश्चन करवा लेता हूं, ठीक है आचन? हाँ यश बेटा, आज सारी रिकॉर्डिंग जो है इस हफ्ते की, एटलीस्ट पुरानी तो मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, इस हफ्ते में जितनी भी रिकॉर्डिंग, क्योंकि सारी क्लास मैंने ली है, सारी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. बढ़िया जय, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ बेटा? अभी ऑफिस खुलने दो, 10 बजे थोड़ा मैं करवा देता हूँ, ठीक है? मैं साथ में आज मेरा आज मतलब सारी क्लासेस ऑफिस से ही है,
तो मैं बैठ के करवा देता हूँ, ठीक है? मैंने बोल तो दिया था पहले उसको, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ, ठीक है? सो क्वेश्चन दे रहा था ना मैं आप लोगों को, ठीक? क्वेश्चन इज भाई, मतलब आप चाहे तो ये दोनों ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं है। अरे शानदार है, तेजी से आंसर आ गए, तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। शाबाश, एक छत्र आंसर आया है, दो, या तो सबका गलत होगा या सबका सही होगा, है ना? ठीक है, फोर टूज आर एट, एट की पावर है फोर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा टू, तो 64 प्लस 6, कुछ भी कर लो कोई चेंज नहीं होता है, माइनस 8 है पावर फोर से डिवाइड करेंगे, आया ना, क्लियर? रिमाइंडर बच जाएगा 1, 8 टू द पावर 1 इज दिस, सुन, यहां बच रहा है 10 और यहां बच रहा है 8, 2, वेरी गुड, शाबाश 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 एवरीवन, वेरी गुड शाबाश, चमक गया, बहुत 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 ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हो गई बात किसकी, ये हो गई बात फाइंडिंग द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ठीक है? आप लोगों ने थोड़ा सा जो जहां में जो मैं पढ़ाना चाहता था उसको थोड़ा सा डेविएट किया है, बट कोई बात नहीं, आपको भी पढ़ाना है तो जो आप चाहोगे वही पढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं पेंटिंग अ क्यूब को, हाँ है ना? क्लॉक एंड कैलेंडर का क्या होगा? क्या बेटे? क्लॉक्स एंड कैलेंडर पूरा चैप्टर पढ़ाना है ना फिर से, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी एक दो टॉपिक जो आप लोगों ने बोले है ना छोटे छोटे को पहले टिक कर देता हूँ, फिर आराम से पूरा चैप्टर पढ़ना है ना क्लॉक्स एंड कैलेंडर तो आपको, ठीक है? पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? कहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार मैं, यही हूँ, ठीक है? बढ़िया, आराम से पढ़ेंगे यार, क्या करना है जीवन में, इतना तकलीफ क्यों लेना, राइट हो ना? चलो आगे बढ़े, तो पहले हम देखते हैं क्यूब को पेंट करने की, जो किसी ने कल मुझसे बोला था ना कि सर थोड़ा समस्या है, देखते हैं। तो ध्यान, यस सर मैंने, हाँ तो मान लो बेटा कमरे के कोने में दीवारें मिलती हैं आपके यहाँ, आया ना? हाँ है ना, कमरे के कोने में दीवारें ऐसे मिलती दिखाई देती हैं, यस सर, यस सर। यहां मान लो कि एक ही क्यूब रखा है, कितने क्यूब रखे हैं? एक ही क्यूब, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, हाँ या ना? यस सर। तो जब आप कलर फेंकोगे इस पर, तो इन तीन जगहों पर कलर होगा, इसके पीछे की तीन जगहों पर कलर नहीं होगा, क्या बोलते हो? यस सर, यस सर, बिल्कुल राइट, शाबाश। इसी तरीके से
अगर क्यूब को कॉर्नर में ना रखकर किसी एक एज पर रखा हुआ है, यानी कमरे में सरफेस है, सरफेस में आपको ऐसा जॉइंट दिखता होगा, हाँ या ना? यस सर। तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपको सिर्फ सर चार फेस होंगे। नहीं, हाँ चार फेस पे पेंट हो जाएगा, दो पे नहीं होगा। समझ गए ना? विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखो ये कमरे का एक सरफेस है, सरफेस पे रखा क्यूब, राइट और नॉट? राइट। तो यहां वाला फेस और नीचे वाला फेस नहीं पेंट हो पाएगा, ये एक, ये दो, ये तीन, और इधर से दिखने वाला भी चार पेंट हो जाएंगे, हाँ या ना? क्लियर? यस सर। ये नॉट पेंटेड है, ये भी नॉट पेंटेड है, ये पेंटेड है, ये समझ में आ गई? क्लियर? बड़ी। और अगर हम क्यूब को कमरे के बीचों बीच रख कर पेंट करेंगे, सरफेस वाले फिर से समझाएंगे? फिर से वाला बेटा, सरफेस पे ना, तो सुनो, दीवार के किसी एक जगह पर रखा हुआ है, ठीक है? जैसे आपका स्टडी टेबल शायद कोने में ना हो, इन जनरल स्टडी टेबल को कोने में नहीं रखा जाता है, ठीक है? तो स्टडी टेबल कोने में नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं दो दीवार मतलब बीच में होता है वो, हाँ है ना? एक दीवार से सटा होता है और सरफेस पे रखा होता है, दोनों दो साइड से ओपन होता है, लेफ्ट से भी आ सकते हो, राइट से भी आ सकते हो, हाँ है ना? Yes. तो उस केस में दो ही सरफेसेस इनविजिबल होती हैं, एक वो जो सामने वाली वर्टिकल दीवार से सटी हुई है और एक जो सरफेस नीचे है जमीन पर। उसके अलावा चार फेस विजिबल होती है, यानी चार फेस को हम पेंट कर सकते हैं। इसका एक और केस है कि कमरे के बीचों बीच रख के अगर एक क्यूब को पेंट किया जाए तो सिर्फ उसका बेस पेंट नहीं होगा, बाकी सब कुछ पेंट हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, ये yes, बात बढ़िया, ये जानकारी याद रह जाएगी। और अब याद रखना जरूरी नहीं है, ये क्लासेस आपको सोचने का एक तरीका दे देती है कि हाँ ऐसे भी सोचना है ना? श्योर, बस ये सोचने का एक तरीका मिल गया। इसके बाद अब सोचो कि स्टैक्ड क्यूब है, स्टैक्ड क्यूब मतलब एक के ऊपर एक अरेंज करके, जैसे 3x3 का आप रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं ना, वैसे बनाया गया, ठीक है? श्योर। अब उस किसी भी क्यूब को कलर करने के कितने फॉर्मेट पढ़ लिए हमने? चार फॉर्मेट। कैसे? एक फुल डिप कर दो, पूरा उठा के पेंट में डिप कर दो, तो उसके पूरे के पूरे छह के छह फेस पेंट हो जाएंगे, हाँ है ना? ठीक है? यस सर। उसके बाद सेंटर ऑफ द रूम में रख के पेंट कर दो, तो सिर्फ बेस पेंट नहीं होगा उसके हिसाब से, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ओके। समवेयर बट Not at corner रख के प्रिंट कर दो, तो दो फेस प्रिंट नहीं होंगे, बाकी चार हो जाएंगे। और at corner रख के प्रिंट कर दो तो तीन फेस प्रिंट नहीं होंगे, है ना? और तीन हो जाएंगे, राइट और नॉट? तो मान लो एक क्यूब जो है बेटा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक क्यूब जो है वो 3x3 का क्यूब है, ठीक है? और उसको पूरी तरीके से डिप कर दिया गया है पेंट में, रूबिक क्यूब है 3x3 का, उसको पूरी तरीके से डिप कर दिया है, कहां? पेंट में। क्लियर? तो ध्यान से सुनना, अगर आप साइड व्यू लेते हो इस रूबिक क्यूब का बेटा, तो आपको ऐसा माहौल दिखाई देगा, हाँ है ना? कहो हाँ। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही माहौल इस साइड भी दिखाई देगा, ऐसे का ऐसा माहौल ही इस साइड भी दिखाई देगा, हाँ ना? मेरी ड्राइंग सुधर गई रे तुम लोग की संगति में? सर मैं भी वही देखती हूँ। यस सर। ठीक है,
यस सर बोल रहा है तेरी तो, तू मिल मेरे को अकेले। ठीक है, अब क्या हुआ सुनो, जब इसको आपने पूरा का पूरा डिप कर दिया है तो कौन कौन से क्यूब हैं जिनमें तीनों तीन फेस कलर हुए, तो इस क्यूब के तीन फेस कलर होंगे, जो क्यूब कॉर्नर्स पे रखे हुए है ना, आए ना, उनके तीन फेस कलर होंगे, यस और नो? यस सर। थ्री लिख रहा हूं यहाँ पे, क्लियर और नॉट? बात समझते हो? राइट, ये पूछता है वो, यही पूछता है, यही यही पूछता है, हाउ मेनी क्यूब्स, कब पूछ रहा है अभी वो, अभी वो पूछ रहा है फुल डिप में, ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव गॉट थ्री फेसेस कलर्ड, तो आपका आंसर है सारे एज पे, एज पे कितने क्यूब्स रखे हुए हैं, ऊपर चार नीचे चार, तो आठ हो गए, हाँ है ना? फिर से तो बेटा देखो, ये क्यूब पे तीनों कलर होंगे, हाँ है ना? राइट, इसी तरीके यहाँ वाला क्यूब भी तीनों फेस कलर होंगे, यहाँ वाला साइड भी जो अपने को दिख नहीं रहा है ना, तो जो भी क्यूब एज पे रखे हुए हैं, ठीक है, वो तीन साइड से कलर होंगे, ठीक है, अब एज पे कितने क्यूब रखे हुए हैं, आठ क्यूब, चार ऊपर की एज है और चार नीचे की एज है, हाँ है ना? ये एक क्यूब है बेटा, ये एक क्यूब है पूरा, ये एक क्यूब है, समझे? यस सर। बढ़िया, ठीक है, अब आराम से सुन, ये कौन से क्यूब है जो मैंने हाईलाइट किए है, ये वो क्यूब्स हैं जिनके तीन फेसेस कलर्ड है, ठीक है, दो फेसेस कितने के कलर्ड हैं, तो इसका दो फेस कलर्ड होगा, ये वाले का भी दो फेस कलर्ड होगा, ये वाले का भी दो फेस कलर होगा, ये वाले का भी दो फेस कलर होगा, है ना? क्लियर? ऊपर के वाले में चार हो जाएंगे, नीचे वाले में भी चार होंगे, एक बार फिर से बताएंगे, हाँ, टू कलर वाला ना बेटा? यस सर। देखो ये टू कलर है, ये कलर्ड है और ये कलर्ड है, हाँ है ना? ये एक क्यूब है अपने आप में, ये एक पूरा क्यूब है बेटा, इसके बाकी के छह फेस अंदर ठुसे हुए हैं, उनपे कलर नहीं होगा, क्लियर? जी सर। समझ में आया? गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। टू फेसेस वाले कितने होंगे? हाँ 12 होंगे ना, ऊपर वाली लाइन में चार, नीचे वाली लाइन में चार और बीच वाली लाइन में भी चार, देखो एक पीछे दिख नहीं रहा, इसके अपोजिट, ठीक है, 4 + 4 + 4 = 12, ओके, हाँ बेटा बोलो। काम करती है कि नहीं करती है सर, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ सर। अभी मैं सोच रही थी कि जैसे हर फेस पे ऐसे हम मान ले कि सर दो दो हैं, एंड सर कॉमन वाले को नेगलेक्ट करते हुए पहले काउंट कर ले, तो सर छह फेसेस है, उस हिसाब से सर 6 × 4 = 24 आ जाएगा अपने पास, और सर से इसको सीधा हाफ कर दे तो आंसर आ जा रहा है 12, तो सर मतलब ऐसे किया जा सकता है क्या, मतलब क्यूब में काम करता है क्या? मैं अगर आप लोग को याद हो, मुझे नहीं पता आपको याद है आप भूल गए, आप वहाँ क्लास को थे नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में इनके सारे फॉर्मूले भी बताने वाला हूँ कि कौन सा एन क्यूब होगा, कौन सा एन क्यूब माइनस टू होगा एंड ऑल, अभी मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि मान लो, ठीक है, फॉर्मूले है बेटा, मैं बताऊंगा अभी और अच्छे से, ठीक है,
नहीं तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक हाँ, को सम करके 6 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अगर वो हर बार सेटिस्फाई करता है तो उसको फॉर्मूला मानेंगे ना। हाँ, है ना सर। हाँ बेटा बोलो सर। पर जो जो 3 साइड फेजेस थे उसके भी तो 2 साइड गिनेंगे ना? नहीं ना, तो क्या बोल रहा हूँ, ओनली 2 फेस पेंटेड, जो 3 वाइज है उसमें ओनली 2 नहीं है, 3 है। अगर वो बोलेगा एटलीस्ट 2 पेंटेड, उसमें 3 वालों को भी गिन के ये 12 और 8 20 हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, वन फेस कलर 6 होंगे ना? 2 फेस कलर कितने होंगे सर? अगर वो पूछेगा कि एट मोस्ट 2 फेसेस है तो हम लोग उसमें 1 को इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना इंग्लिश तो आप लोग खेल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया ये सर, 1 फेस कलर्ड विल बी 6 क्यूब्स। हाँ, एक यहाँ पर हर फेस पर एक क्यूब ऐसा है जो 1 फेस कलर्ड है सिर्फ। हाँ है ना, ऐसे कितने फेज हैं? 6 फेज हैं, तो 6 क्यूब हो गए, राइट? देखने का तरीका समझ में आया? यस सर। बढ़िया। अब एक केस इमेजिन करने को बोलता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, वो क्वेश्चन को कैसे डिफिकल्ट बनाता है ये सुनो। क्यों वहां पर फॉर्मूले मैं नहीं सिखाना, मतलब मैं सिखाऊंगा फॉर्मूले लेकिन कभी कभी वो तकलीफ दे देगा आपको। क्यों देगा, मैं सुनाता हूं कहानी। अभी तो इसने इस पूरे क्यूब को डिप किया था, लेकिन अगर वो बोल दे कि भाई सुनो, मैंने इसको बेस को पेंट नहीं किया है, मतलब रूम के सेंटर में रख के पेंट किया है, तो हर तरफ से पेंट किया बेस छोड़ के, तो काउंटिंग चेंज हो जाएगी ना। यस सर। इसीलिए ये थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि हम सोच पाए कि वो करना क्या चाहता है। क्लियर और नॉट? यस सर। और वहीं पर ऐसी परिस्थितियों में फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूले तो पूरे केस के लिए थे। जब वो एक्सक्लूसिव बोल देगा, और इस पे भी और भी रोतले केसेस होते हैं। रोतले केसेस मतलब अलग अलग कलर से पेंट कर दिया, अब बताओ। क्लियर? कितनी तकलीफ लेके पैदा हुआ ये एग्जामिनर मुझे नहीं पता, इसके मन में इतनी आशंकाएं क्यों होती हैं, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। तो विजुअलाइज कर पा रहे हो उस कहानी को कि कहानी कहना क्या चाहती है? Yes, बढ़िया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करके बताना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन इज अ बिग क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर एच इज मेड विथ स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर एच ईच। ओके, प्लेसिंग इट एट अ कॉर्नर of my room, I throw a paint mug on it. Number 1, how many cubes will get painted? Number 2, how many of them get inside paint? Fadafat.
कितना बेटा बोलो 48 अरे वाह यस 48 एंड 1 वन तो सही है वन तो सही है बिल्कुल सही है वन तो बिल्कुल ही सही है वन टू कैसे हो गया सर टू क्यों नहीं हो सकता नहीं होगा ना यार ढका होगा बेटा कैसे टू हो जाएगा हाँ सर सॉरी वन होगा सर आ गया वन तो सही है आप लोगों का 48 की बात कर रहे हैं 48 सर 27 होगा ना देख लेते हैं सुन लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं सर ये एक्चुअली 4x4 का क्यूब है ना हाँ 4x4 का ही क्यूब होगा ना तो इसका मतलब आपको कितने 64 क्यूब्स लग जाएंगे वन के बनाने के लिए हाँ है ना क्या बोलती है पब्लिक सर ट्रेपीजियम बन गया और सबसे अलग ही बन रहा है सर एकदम मेरा आंसर 46 आ रहा है और सर मेरा फिर से 48 आ रहा है क्योंकि नहीं सर 48 नहीं आ रहा है सर मेरा जितने क्यूब प्रिंट होंगे फर्स्ट वाले का सर आ रहा है 46 क्योंकि सर हम लोग ने सबने हड़बड़ी में ये फैक्ट काउंट करना भूल गए कि सर जो कॉर्नर वाला है वो एक ही क्यूब है सर सबने 48 सुनाई दी अच्छी बात सर 46 आ रहा है मेरा उस हिसाब से ध्यान से देखो बेटा एक दो तीन चार एक दो तीन चार आया ना हाँ सर दो तीन चार एक दो तीन चार क्लियर अब ध्यान से देखो ठीक है मैं इसे एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग कह सकता हूं हाँ या ना हाँ सर बोल सकते हो हर बिल्डिंग में हर क्यूब को अगर मैं फ्लैट मानू तो हर बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं 16 पक्का हाँ सर और हर ओपनिंग को हर जगह जहां से वो मुझे दिखाई दे सकता है उसको मैं विंडो मानता हूं हाँ है ना तो जब आप कलर फेंकोगे क्या ये विंडो है ये एक विंडो है ये एक विंडो है ये भी एक विंडो है हाँ है ना ये सर तो कॉर्नर वाले के पास 3 विंडो है हाँ है ना बाकी सबके हाँ पास जो है एक एक विंडो अरे ये क्या हो गया यार अरे बहुत मेहनत से बनाया था यार चित्र सर पीडीएफ लिए अलग हो गया ये हमारी पूरी कहानी है नहीं ये हमने आज तक ये जब अगर मतलब जिस दिन लास्ट क्लास होगी ना उस दिन मैं ये आपसे शेयर कर दूंगा 19 जनवरी से हमने शुरू किया था पढ़ना उससे लेके आज तक जो जो पढ़ा है वो सब यहीं पर स्टोर्ड है मेरे पास समझ रहे हो पूरा का पूरा है 2-3 TB भर गया होगा ठीक है ये लिखा हुआ देखो सारे क्वेश्चन किए ना ये सब अपन ने Yes, sir. तो मैं अभी इसी से तो रिवीजन करवाने वाला हूँ ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हैं ठीक है तो पहले मैं रिवीजन करवाने से पहले ये शेयर कर दूंगा बोलूंगा पढ़ तो लो पहले जब पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना अरे यार नीचे हाँ. जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो तेजी से जाया जाए ऐसा सर स्क्रॉल को पकड़ के नीचे कर दो ना नहीं होता नहीं होता नहीं अरे भाई इतनी चित्र कब बनाए मैंने इतने अच्छे अच्छे अच्छा अभी ये तो कल परसों ही बनाए थे
अरे सब है रे अपने पास स्टोर्ड, अपने को कोई चिंता ही नहीं है रिवीजन की। अरे यार वो तो मिट गया यार बेटा। नहीं मिटा, नहीं मिटा, नहीं मिटा, शाबाश। ठीक है, तो जब भाई ने कलर फेंका यहां पर आया ना, हाँ सर, तो कितने पर पेंट हुआ? तो आंसर है इसका 64। सही हूं क्या? नहीं सर। क्यों सर? कुछ कुछ ऐसे क्योंकि अंदर के भी कैसे होंगे अंदर के। शाबाश शाबाश शाबाश, सिर्फ टॉप फ्लोर पर जो है उसके 16 हुए, आया ना? हाँ सर। ठीक है, जो सेकंड फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर है उसके 1 2 3, 1 2 3 और 1, कहो हाँ। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 7, यहां से भी 7, यहां से भी 7 और यहां से भी 7, कहो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। टोटल आंसर होगा 28 प्लस ऊपर वाले 16 इज इक्वल्स टू 4 44। चमका बेटा। नहीं सर, नहीं होंगे ना। हाँ सर, भी सिर्फ 9 होंगे ना। क्यों 9 होंगे? ऊपर के सारे होंगे। एक ना... जो सर जो हमने 7 7 लिया सर, उससे जो कनेक्टेड है वो भी तो हमने नीचे वाले yes, सर, वो एक एक क्यूब सर होगा ना। हाँ, अरे मैंने ज्यादा गिन लिया एक्चुअली, मैंने एक फ्लोर ज्यादा गिन ली, एक ये वाली फ्लोर ज्यादा गिन ली मैंने, ये वाली फ्लोर नहीं गिनना था ना, ये तो हम गिन चुके हैं ऑलरेडी, राइट? तो ये 7 का क्या लॉजिक है? 7 का क्या लॉजिक है? तो देखो ध्यान से बेटा, सिर्फ बेस फ्लोर देखना, सिर्फ बेस फ्लोर। कौन सी फ्लोर? बेस फ्लोर। ठीक है, तो 1 2 3 आया ना? 1 2 3, ये तो एक ही क्यूब है बेटा। हाँ, इसलिए 7। तो यहाँ का 7, उसके ऊपर वाला 7 और उसके भी टॉप फ्लोर तो हमने वैसे ही गिन ली थी ना, क्यों जानबूझ के गिने और बार, है ना? हाँ, तो आंसर होगा 21। तो आंसर आएगा 37। पूरा दुविधा में डाल दिया। तो इसलिए तो मैंने, इसलिए मैं फॉर्मूले ना बता के सोचने का तरीका बताता हूँ, मैं खुद भी इसी चीज को फॉलो करना चाहता हूँ। अब यही देखो, ये क्वेश्चन कभी भी सिंगलटन नहीं आएगा, इतना बड़ा आएगा तो। सिंगल वाले वो आ सकते हैं कि टू के साइड में कौन सा, डाइस वाले, ठीक है। क्यूब वाले जो क्वेश्चन है बड़े वाले, वो कभी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आएगा एक गुट में क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आप ये सब एनालिसिस कर रहे हो ना कि कौन कितना पेंटेड होगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको 3-4 क्वेश्चन में काम आएंगे, इसलिए यहाँ पर 2 मिनट इन्वेस्ट करना कोई गड़बड़ की बात नहीं है। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, समझ में आई? अब जैसे वो पूछेगा, अच्छा ये बताओ भाइयों कि भैया दो दो कौन से हुए हैं, दो 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 कलर किस किस क्यूब पे हुए? सर वो एज वाले जो मिडिल में 3-3 जो गिन रहे थे, दो दो, सॉरी तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, टॉप फ्लोर वाली बिल्डिंग में ये 1, ये 2 और ये 3, हाँ है ना? हाँ सर। ऐसे ही 1 2 और 3, हाँ है ना? और एक सर वर्टिकल लाइन, इसलिए ये तरीका सही होता है। तो फर्स्ट फ्लोर में हो गए भैया 6, हाँ ना? सेकेंड फ्लोर में एक ही होगा, दो साइड प्रिंटेड, राइट और नॉट? हाँ सर। थर्ड फ्लोर में भी एक ही होगा? हाँ सर। और फोर्थ फ्लोर में एक भी नहीं होगा, दो साइड प्रिंटेड होगा क्या? नो सर, होगा होगा होगा, वही कॉर्नर वाला, हाँ ना? सर नीचे वाला नहीं हो रहा। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऐसे जो दो साइड प्रिंटेड है? 9। चमक में आया बच्चे? सर अगर एट मोस्ट 2 बोलता तो, अब एट मोस्ट 2 बोलता तो 2 1 वगैरह सब गिनते, है ना?
सर वो फर्स्ट फ्लोर में छह कैसे आया? छह कैसे आया बेटा, देखो जब कलर फेंकोगे तो ये वाले जो क्यूब्स हैं, ये क्यूब दिख रहा है एक, देखो तो ये यहाँ से भी पेंट हो जाएगा और यहाँ से भी पेंट हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो हो तो सारे रहे, लेकिन इसको छोड़ा है क्योंकि ये तीन साइड से पेंट हो रहा है कि नहीं, तो एक को छोड़ दिया, तो यहां से तीन हो जाएंगे और यहां से भी तीन हो जाएंगे, दो साइड पेंटेड। ये वाले नहीं हो पाएंगे, ये एक ही पेंट रहेंगे, हाँ है ना? क्लियर? जी सर। बढ़िया, ठीक है, समझ में आया? अभी एक अच्छी प्रैक्टिस शीट बना के इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है? ये तो मेरे मनगढ़ंत सवाल थे परेशान करने वाले, ठीक है? जी सर। चौक एक बार अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में, उसके बाद जाना। जी सर। यस सर। सर प्लीज दिस सेंड कर दीजिएगा ना सचिन, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग में पक्का शेयर कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग और सर लिस्ट अभी तक सेशंस हुआ है उसका अभी। हाँ हाँ हाँ, लिस्ट सर कल आपने डीपी नहीं डाली थी ना? नहीं, कल क्या की डीपी पे थी? कल सिलोजिज्म की डालनी थी, नहीं डाली थी, आज डाल दूंगा सिलोजिज्म और एक क्यूब्स की भी डाल ही दूंगा, थोड़ा सा क्यूब्स की नहीं यूनिट डिजिट की, तो तुम लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना? प्रैक्टिस हो जाएगी। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एनर्जी सर। बाय सर, गुड डे सर। जिसमें वो क्यूब्स के लिए रहते हैं क्या बेटा, फिर से बोलो सर? आपने उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है क्या जिसमें क्यूब के नेट रहते हैं और बताना रहता है कि इसमें कौन सा क्यूब फॉर्म होगा? वो पेपर फोल्डिंग अभी थोड़ी ना हुई बेटा। सर तो आपने उसकी डीपीपी डाल दी है? यस सर। वन वाले में है पेपर फोल्डिंग की डीपीपी डल गई? कोई बात नहीं, ठीक। हाँ बेटे। सर अगर हम मतलब चाहते हैं कि घर में प्रैक्टिस हो तो फिर सर तो कैसे करें? ओके, तो मतलब और क्वेश्चन चाहिए, सीधी बात ये है ना? ये सर यानी तो कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं आप? हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, है ना बच्चे, मैं एक बुक रेफर कर देता हूँ सबको, तो आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए, है ना? अमेजोन पे मोस्टली रायपुर में तो अच्छी डिलीवरी हो ही जाती है अमेजोन की, आप लोग मंगवा सकते हैं, फिर भी मैं रेफर कर दूंगा, ठीक है बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, संतोष आता है, ठीक है, मैं उसके साथ बैठ के मैं पूछूंगा क्या हुआ है, देखें, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर। नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है।